नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। 5 किलोमीटर के 6,000 रुपए। जी हाँ, दिल्ली में विदेशी महिला के रिक्शा चालक ने ऐसे लूटा कि सिंगापुर की ट्रैवल ब्लॉगर सिल्विया चान ने 26 जुलाई को अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली की खराब अनुभव को साझा किया। देश के राजधानी दिल्ली में पर्यटकों को ठगने का एक मामला सामने आया है। घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में एक रिक्शा चालक कुछ विदेशी महिला टूरिस्ट के साथ यात्रा के किराए के नाम पर स्कैम करता दिखता है। वही महिला ने इस घटना का वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। सिंगापुर की ट्रैवल ब्लॉगर सिल्विया चान ने 26 जुलाई को अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह दिल्ली में अपने एक अनुभव को साझा करती हैं। वीडियो में सिल्विया दावा करती हैं कि कैसे एक रिक्शा चालक ने उनके साथ खराब बर्ताव किया और सवारी के किराए के नाम पर उनसे अत्यधिक पैसे की मांग की। वीडियो के मुताबिक पुरानी दिल्ली घूमने के दौरान सिल्विया जामा मस्जिद के पास एक रिक्शा चालक से मिली। शुरुआत में चालक ने तय किराया 100 रुपए के तहत उन्हें जामा मस्जिद से लाल किला तक पहुंचाया। वहीं लाल किला पहुंच के चालक ने कुछ समय बाद पैसे देने की बात कही। फिर उन्होंने रिक्शा चालक से चांदनी चौक चलने को कहा। सिल्विया ने दावा किया कि इस दौरान वह उन्हें कई ऐसे गैर जरूरी जगह ले गए जहां सिल्विया को नहीं जाना था। फिर जैसे ही सिल्विया ने उसे बताया कि चालक उन्हें कृष्णा नगर मार्केट में छोड़ दे, वैसे ही चालक ने उन्हें चांदनी चौक से 5 किलोमीटर दूर किसी अनजान जगह पर उतार दिया और इसी पूरी यात्रा के किराया 6,000 रुपए मांगने लगा। सिल्विया के मुताबिक अनजान जगह पे होने के कारण उन्हें चालक को 2,000 रुपए का भुगतान करना पड़ा। पैसे लेते ही वह चालक वहां से निकल गया। सिल्विया ने कहा कि उनके लिए यह निराशाजनक और डरावना अनुभव रहा। सिल्विया अपने वीडियो के माध्यम से कहती हैं कि वह लोकल ट्रांसपोर्ट का समर्थन करती हैं, लेकिन इस अनुभव के बाद वह उबर जैसी सर्विसेज को एक बेहतर और सेफ विकल्प देखती हैं। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।